हेलो दोस्तों, तो एचपी ने फाइनली अपने विक्टर 16 को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि प्राइम डे सेल के दौरान लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं, क्या क्या प्राइसिंग है, कितना टीजीपी आप लोगों को जीपीयू के देखने को मिलेंगे। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को चार वेरिएंट्स इंडिया में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सारे आप लोगों को एएमडी राइजन के सीपीयू के साथ आते हैं। दो वेरिएंट्स आप लोगों को राइजन 5 5600H के साथ देखने को मिलेगा और दो वेरिएंट्स आप लोगों को राइजन 7 5800H के साथ देखने को मिलेगा। सभी में आप लोगों को जीपीयू अलग अलग मिलते हैं दोस्तों। एक में आप लोगों को 1650 मिलता है, जो कि राइजन 5 के साथ आता है, और एक वेरिएंट जिसमें आप लोगों को 3050 मिलता है, उसमें भी आप लोगों को राइजन 5 ही मिलेगा। और दो वेरिएंट जो है, एक में आप लोगों को RTX 3050 Ti एंड एक में आप लोगों को RTX 3060 मिल जाता है। टीजीपी आप लोगों को 3060 का 95 वाट का देखने को मिल जाएगा, लेकिन 3050 एंड 3050 Ti का अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इनका टीजीपी क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों को 60 वाट का टीजीपी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह भी देखे, जितने भी मैंने सोर्स चेक किए, वहाँ पर 60 वाट का ही दिया हुआ था। बट मुझे अगर फर्दर कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एज ऑफ नाउ आप लोग जान लीजिए कि और भी क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिलता है। तो सभी में आप लोगों को 512 GB का SSD देखने को मिलते हैं दोस्तों। किसी में भी आप लोगों को 1 TB या कोई हार्ड ड्राइव या SSD का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। फ्यूचर में भी आप लोगों को और भी वेरिएंट्स देखने को मिले अदर स्टोरेज के साथ। स्टोरेज को आप लोग बाद में एक्सपेंड कर पाएंगे। 8 GB का रैम देखने को मिलता है दो वेरिएंट्स में, और दो वेरिएंट्स में आप लोगों को 16 GB का रैम देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। 32 GB तक आप लोगों को स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। डुअल चैनल पर आप लोग रैम को रन कर पाइएगा आप लोग जब अपग्रेड करेंगे। और डिस्प्ले का जो साइज है दोस्तों, आप लोगों को 16.1 inches का देखने को मिलता है FHD डिस्प्ले। तो ये नॉर्मल लैपटॉप्स के तरह नहीं है दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले साइज है आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जो दो वेरिएंट्स है दोस्तों, जो कि बेस वेरिएंट कह सकते हैं 3050 एंड GTX 1650 के साथ जो आता है, उसमें आप लोगों को रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि 120 हर्ट्ज है या फिर आप लोगों को 60 हर्ट्ज मिलता है। तो मैं यहां पर यही गेस कर रहा हूं कि आप लोगों को ये 60 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी अगर 144 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज देती तो यहां पर जरूर से मेंशन करती। तो यहां पर वो मेंशन नहीं किया गया, तो आप लोगों को 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलेगा। और बाकी जो दो वेरिएंट्स है, जो कि 3050 Ti एंड 3060 के साथ आता है, उसमें आप लोगों को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और 100% sRGB का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है हायर वेरिएंट्स में। लोअर वेरिएंट्स में आप लोगों को 45% का NTSC देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोगों को देख लेना है कि आप लोगों का कैसा नीड है। आप लोग अगर कंटेंट क्रिएटर है तो आप लोगों को अच्छा डिस्प्ले के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप लोग बेस वेरिएंट वाला ले रहे हैं तो आप लोगों को डिस्प्ले में यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को बैटरी बैकअप जो है इन लैपटॉप्स में 70 Wh का देखने को मिल जाता है, और जितने भी एसेंशियल पोर्ट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ये चार वेरिएंट्स अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को Amazon प्राइम डे सेल में देखने को मिल रहा है। एडिशनल 2000 के कूपन के साथ भी आया है दोस्तों, तो इफेक्टिव प्राइस आप लोगों को थोड़ा और भी 2000 चीपर फिलहाल के लिए देखने को मिलेगा। और अभी आप लोग यहाँ पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो रिलीज डेट बताया जा रहा है August 20 का है, तो आप लोग काफी लंबा पीरियड यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लैपटॉप आया तो इतना लेट, उसके बाद थोड़ा रिलीज में भी आप लोगों को टाइम लगेगा। अब मेरे ओपिनियन की बात करें दोस्तों, लैपटॉप मुझे पर्सनली अच्छा लगा, प्राइसिंग भी काफी अच्छा है, लेकिन जो बेस दो वेरिएंट्स है दोस्तों, RTX 3050 एंड 1650 वाला, उसमें आप लोगों को 60 हर्ट्ज दे दिया गया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 2021 में भी जब ब्रांड्स आप लोगों को 60 हर्ट्ज प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं दोस्तों, 60 हर्ट्ज का पैनल के लिए आप लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अदर्स जो HP पवेलियन के ही लैपटॉप्स हैं, तो उसके साथ आप लोग क्यों ना जाए। लेकिन उसके साथ ना जाने का वजह भी ये हो सकता है, क्योंकि उसमें आप लोगों को उतना बढ़िया थर्मल्स या डिजाइन आप लोगों को ना मिले, क्योंकि ये जो है दोस्तों आप लोग काफी बढ़िया थर्मल डिजाइन, बॉडी का डिजाइन भी आप लोग देखेंगे तो काफी बढ़िया है, काफी मिनिमलिस्टिक आप लोगों को डिजाइन दिया गया है। ओवरऑल डिजाइन वाइज करे, थर्मल वाइज करे, काफी बढ़िया मुझे ये लगा, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज देखे सारा कुछ यहाँ पर बिगाड़ दिया दोस्तों। अगर आप लोगों को 60 हर्ट्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि 2000 का कूपन लगाने के बाद ये लैपटॉप मुझे थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है दोस्तों। उसके बाद जो आप लोगों को राइजन 7 3050 Ti एंड 3060 के साथ जो मिलता है, उसका भी प्राइसिंग अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को 100% sRGB मिल जाता है, और ओवरऑल HP का ब्रांड है दोस्तों, HP का लैपटॉप है, और 3060 1 लाख के ऊपर चला गया है। ओवरऑल अच्छा है, यहाँ पर 95 वाट का TGP दिया गया है। ये थोड़ा सा 115 वाट का रहता तो और भी बेहतर हो जाता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, TGP जितना बढ़िया रहेगा GPU का उतना ही बढ़िया हो जाता है गेमिंग एक्सपीरियंस। बट जो है यहीं पर आप लोगों को यही चारों वेरिएंट्स फिलहाल के लिए देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्काउंट कूपन लगा के 65K में अगर आप लोगों को HP विक्टर्स मिल जा रहा है दोस्तों, तो और क्या ही चाहिए, क्योंकि HP जैसा ब्रांड इतना चीप प्राइस में अगर आप लोगों को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि मैंने अभी भी काफी सारे लैपटॉप देखे हैं जो कि 65K में आप लोगों को 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। काफी सारे अच्छे लैपटॉप है जो कि आप लोगों को 144 हर्ट्ज प्रोवाइड कर
कर रहा है। हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि प्राइसिंग और थोड़ा एग्रेसिव हो सकता था, लेकिन करंट सिचुएशन को देखेंगे दोस्तों तो ओवरऑल प्राइसिंग सही है, क्योंकि अगर आप लोग देखते हैं कि मार्केट में जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और इस समय में प्राइसिंग को लेकर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में और भी कंटेंट्स आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। और चलिए इन्हीं सारे बातों के साथ आज का ये वीडियो हमें एंड करते हैं दोस्तों। मन में कोई भी डाउट है तो पर्सनली आप मुझे आके मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे और एक नई वीडियो में।